हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ मैं अपने इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज लोकल बॉडीज के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेरा लोकल बॉडीज था, जिसके अंदर दो आते हैं, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायती राज आता है, ठीक है, वो मैंने पिलर थ्री के अंदर लिया था और आज मैं इसी के बारे में पूरा बात करूंगा। ठीक है, चले। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मेरे सात पिलर्स हैं, ठीक है, पिलर वन, पिलर टू, पिलर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ठीक है, अब इनमें से मैं पहला पिलर पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलरेडी, आपको पता होगा। मैंने पिलर टू भी पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, पिलर थ्री मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। मैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ये दोनों चीज़ जो है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा है, बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा है। बट लेकिन किस प्लेटफॉर्म में किया है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में किया है, ठीक है। तो आपको क्या है कि मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सीधा इसके कोर्स में चले जाओगे, ठीक है, जहाँ पे मैंने ये कोर्स बनाया हुआ है अनअकैडमी में, ठीक है। तो या फिर आपका क्या कर सकते हो, मेरे को वहाँ पे आप अनअकैडमी में मेरे को फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने से क्या होगा कि मैं अगर कोई भी कोर्स बनाऊंगा वहाँ पे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ पे भी मुझे फॉलो करो और यहाँ पे भी मुझे यूट्यूब में भी मुझे आप फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि मैं आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं, मैं सारे के सारे जो है वो अनअकैडमी में ही बनाऊंगा, ठीक है। कुछ कोर्सेज मैं यहाँ यूट्यूब में भी बनाऊंगा, बट कुछ कोर्सेज मैं अनअकैडमी में बनाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे दोनों जगह आप मुझे फॉलो करो। तो यहाँ पे मैंने ये पिलर थ्री जो है वो भी कंप्लीट कर दिया है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं फरवरी एंड तक पूरा पॉलिटी लेक्चर सीरीज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने पिलर थ्री कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और पिलर फोर में अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये इसके लिए मैं जो डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे नीचे देखोगे वहां पे लिंक होगा, उस लिंक में आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप अनअकैडमी के पेज में चले जाओगे। वहां पे आप मेरा नाम देखोगे, विक्रांत सिंह राजपूत या विक्रांत राजपूत के नाम से होगा, ठीक है। तो वहां से आप मेरा ये वाला कोर्स देख सकते हो। तो मैंने इसका नाम रखा है कंप्लीट कोर्स ऑन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, या फिर कंप्लीट कोर्स ऑन लोकल बॉडीज। तो इसके ऊपर मैंने कोर्सेज बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करी है, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया कि पंचायती और म्यूनसिपैलिटी का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। फिर पंचायती राज के बारे में बताया गया है। फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। फिर म्यूनसिपैलिटी मैंने अच्छे से कवर किया है। फिर 74 अमेंडमेंट एक्ट को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। फिर कितने टाइप के अर्बन गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो 8 टाइप के होते हैं, मैंने आठों टाइप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो लोकल बॉडीज फेस करती है अभी आज के टाइम पे, ठीक है, वो मैंने डिस्कस किया है। फिर मैंने यूपीएससी सीएससी प्री एग्जाम के 1993 से लेके 2017 तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं ना लोकल बॉडी से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए, ठीक है। वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो कवर किए, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं रिलेटेड टू लोकल बॉडीज, जो कि आपके आने वाले टाइम में या आने वाले लेक्चर के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो आपका किसी भी एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी सीडीएस का एग्जाम हो, किसी चीज़ का भी एग्जाम हो ना, जहाँ पे जीएस आता हो, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रखे हैं, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्यों रखता हूँ, मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैंने अभी बीच में एक सर्वे किया था, ठीक है, अभी मैंने बीच में एक क्वेश्चन डाला था अपने चैनल में, एक कम्युनिटी टैब में मैंने अपना एक क्वेश्चन डाला था, तो उसका मैक्सिमम सभी ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैं पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो, उसके बाद भी आप गलत आंसर्स दे रहे हो, ठीक है। मैंने सीबीसी का एक क्वेश्चन डाला था, शायद आप लोगों को पता होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे वो डाला था, उसका मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने, उसका आंसर एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन है, ठीक है। तो वो एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू जो है वो बना है, ठीक है, वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपने इसका मतलब मेरा या तो लेक्चर अच्छे से नहीं देखे हैं या फिर आप रिवाइज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वहां पे डालता हूँ, तो आप प्लीज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को छोड़ना नहीं, वो जरूर देखना, एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट खुलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जरूर देखना, ठीक है। तो ये वाला कोर्स मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करना, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप सीधा उस पेज में पहुंच जाओगे, वहां से आप वो कोर्स जो है मेरा देख सकते हो। और प्लीज मेरे उस कोर्स को रेट रिव्यू और रिकमेंड जरूर करिएगा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरी अभी भी तबीयत खराब है, मैं तब भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं फरवरी एंड तक पॉलिटी खत्म करके कोई एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आपको मेरे चैनल में सब कुछ एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, ठीक है। तो यार अब अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो तुम्हारा इतना तो फर्ज बनता है ना कि आप मेरे को मतलब मेरे को सपोर्ट करो, एटलीस्ट मेरे चैनल को सपोर्ट करो, नहीं तो मुझे अनअकैडमी में सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि मेरे को जरूरत है यार आप लोगों की, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। और ये एक अभी छोटी सी फैमिली है, धीमे धीमे बड़ी हो रही है, ठीक है, और मैं इस फैमिली को बहुत बड़ी बनाना चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है हमारे इस चैनल के लिए, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग समझ पाओ मेरी बात को, ठीक है? तो मुझे भी चाहिए कि यार आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दो, ठीक है? एटलीस्ट सपोर्ट करो ना यार। मैं कोई कभी आपसे मैंने ना ही कोई पैसा मांगा है, ना ही मैंने कभी कुछ मांगा है। बस मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। और जहाँ पे अगर आपको मेरी कोई गलती लग रही है, यार देखो मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, मुझसे गलती हो सकती है, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो, ठीक है? आप मुझे बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस चीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। या आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे वो बता सकते हो डायरेक्टली। मैं कभी भी कोई ऐसा ईगो में नहीं लेता हूँ, कभी भी किसी चीज़ में नहीं लेता हूँ। मैं उस चीज़ को समझता हूँ और उसको चेंजेस लेके आऊंगा मैं, ठीक है, अपने ऊपर ही। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हो, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि यार देखो मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है चीज़ें मैं कर लूंगा, ठीक है? द थिंग इज मैं आपके लिए कर रहा हूँ सब कुछ, आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ऑब्वियसली यार अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे तो फिर क्या फायदा मेरे इस चैनल का, है ना? तो अगर आपको अगर जैसा भी लगे आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? एक बड़े भाई की तरह आप मुझे मानो, ठीक है? और मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा, ठीक है? मैं पूरा मदद करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस? तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है? चले, अब ये पिलर फोर है, इसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, एक दो दिन में, दो तीन दिन में ये आ जाएगा, ठीक है? जिसमें यूनियन टेरिटरी और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया होंगे, और इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज होंगे, ठीक है? तो ये भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? पिलर फाइव में पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, पिलर सिक्स में पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है? ये सीबीआई और लोकपाल और लोक आयुक्त ये नहीं हुआ था, ठीक है? बट लेकिन इसके लिए मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है और वो अभी पब्लिश होने के लिए बचा हुआ है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में मेरे जाओगे, मेरी प्रोफाइल में विजिट करोगे, ठीक है? तो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, वो भी कल या परसों तक पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है पब्लिश होने के लिए, ठीक है? तो ये भी पिलर सिक्स भी मैं ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, अब पिलर सेवन बचा है, तो ये भी मैं फेब तक खत्म कर दूंगा, फेब एंड तक मैं ये भी पार्ट जो है वो खत्म कर दूंगा। तो मेरे फेब पे पूरी पॉलिटी सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा पॉलिटी सीरीज में, सब कुछ मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं कोई एक नया सब्जेक्ट जो है आपके लिए लेके आऊंगा और स्टार्ट करूंगा उसको एकदम बेसिक से, स्क्रैच से। जैसे मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया, ऐसे मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस? सो गाइस थैंक यू। और अगर आपको मतलब मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मुझे अनअकैडमी में भी मेरे कोर्सेज को रेट, रिव्यू और रिकमेंड करो यार अपने, ठीक है? अपने मेरे लेसन को शेयर करो, इतना तो कर ही सकते हो यार। अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहां पे शेयर कर सकते हो। देखो क्या है ना कि यार फैमिली जितनी बड़ी होती है ना उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ठीक है? और मैं कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराता नहीं, तो जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी उतना अच्छा होगा मेरे लिए, ठीक है? और उतना ही अच्छा होगा कि मैं भी इसको अच्छे से ज्यादा टाइम दे पाऊंगा, ठीक है? तो आप प्लीज अगर मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आपको तो इतना तो मेरे लिए करना चाहिए, ठीक है? अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है? और मुझे आप अनअकैडमी में भी फॉलो करो, अगर आप मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हो तो मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो करो, क्योंकि मैं वहां पे भी अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आता हूँ, ठीक है? मैं यूट्यूब में भी लेके आऊंगा और अनअकैडमी में भी लेके आऊंगा, ठीक है? तो आप उस चीज़ का चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे बुक से लेके हो, चाहे कुछ भी लेके हो, ठीक है? और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म को और भी आगे बढ़ाऊँ, ठीक है? वक्त आने पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, अपने जो भी मेरी मन की बात होगी मैं आपसे सबसे शेयर करूंगा, ठीक है? सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो गाइज थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। सो गाइज थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।